वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू। इस वीडियो में हम आगे जो पिछला जो वीडियो था जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले वीडियो में जो भी बेसिक्स थी उन्हें कवर किया था, अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद किया था और अल्फ़ाबेट के अपोजिट क्या होते हैं वो याद किया था। तो वो थे बेसिक्स और वही चीज़ अब यहाँ पर कॉमनली यूज़ होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो थे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो बेसिक क्वेश्चन थे और आजकल उस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। अब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस और क्या यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या मतलब डिकोडिंग में क्या यूज़ किया जाता है। अब एज़ यू नो कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स आते हैं, तो लेटर्स का जो मतलब कि रूल्स होते हैं, नंबर्स के होते हैं, सिम्बल्स के होते हैं, तो क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक्स तो यही होता है लेकिन इनको भी थोड़ा सा मतलब कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो हमें अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अब इस तरह से नहीं आते कि लास्ट लेटर दे दिया और ये दे दिया वो दे दिया, अब उसमें भी कुछ थोड़ा सा तिकड़म लगाना रहता है। तो वो हमें आ जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, वी वुड गेट यूज टू इट और हमें सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहले लेटर्स का क्या ट्रेंड रहता है। तो लेटर्स जो भी यूज़ होते हैं कोडिंग में, ठीक है, हो सकते हैं क्या कि फर्स्ट लेटर डायरेक्टली यूज़ हो जाए, लास्ट लेटर यूज़ हो जाए, काउंटिंग ऑफ द लेटर, यानी कि मान लो क्या होता है, एक वर्ड है फिन, ठीक है, फिन तीन लेटर का वर्ड है, तो तीन के बदला क्या आता है, सी आता है, तो सी को यूज़ कर सकते हैं। तो काउंटिंग ऑफ द लेटर्स का मतलब यही हो गया वर्ड्स में कितने लेटर हैं और जितने लेटर्स हैं उस पोजिशन पर जो अल्फ़ाबेट आती है उसको लिख सकते हैं। अपोजिट ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर, अब जैसे कि अपोजिट ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर यानी एफ़ का जो अपोजिट लेटर लिख सकते हैं, तो एफ़ का अपोजिट लेटर होता है यू, एन का अपोजिट लेटर होता है एम, तो एम यूज़ कर सकते हैं। दे कैन यूज़ एनी थिंग, ठीक है। हाइएस्ट वोवेल और कॉन्सोनेंट, अब जैसे कि इसमें मान लो कि लेटेस्ट है, लेटेस्ट, ठीक है, तो इसमें हाइएस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, हाइएस्ट कॉन्सोनेंट एक तो ए है और एक ई है, तो दोनों में हाइयर कॉन्सोनेंट कौन है, ई है, क्योंकि वो फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है इसलिए हम उसको हाईएस्ट मान रहे हैं, तो ये हो सकता है कॉन्सोनेंट। जैसे कि इसमें क्या है, टी है, तो टी को भी सिंबल में लिख सकते हैं या टी का अपोजिट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा हाईएस्ट वोवल कॉन्सोनेंट, इवन मतलब हाईएस्ट वोवल कॉन्सोनेंट का एक एडजेसेंट लेटर्स दे सकते हैं या वन लेटर को छोड़ के बाद जो लेटर आता है वो दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन में ही सारा कवर्ड रहेगा। लेकिन फिर भी हमें दिमाग बंद करके ये चेक करना स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ दिया गया हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड इन्हीं से रहेगा। हाईएस्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, अब जैसे कि इसमें टी है तो वो दे सकता है, इसका अपोजिट दे सकता है, एडजेसेंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, एक दो घटा के दे सकता है। लोएस्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड है, सिमिलरली लोएस्ट लेटर जो होता है यहाँ पे ए, उसको दे सकते हैं, फिर मिडिल लेटर दे सकते हैं। अब मिडिल लेटर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमेशा जो होंगे जो वर्ड होंगे उनमें जो लेटर्स होंगे नंबर वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, या तो थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, नाइन हो, समथिंग लाइक दैट। अगर हम देख रहे हैं क्या कि फोर लेटर वर्ड है तो ये तो उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ करके करके हमें करना है। अब सिंपली मैंने जो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमेशा जब भी हम मतलब इतना क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब हमें कोड दिया जाएगा और हम देखेंगे वर्ड और कोड देखेंगे तो तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड है सारा एल्गोरिथम बैठा के तुरंत ना मतलब आपको बता देगा कि क्या यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये वन टू वन लगाते रहोगे, पहले याद करोगे कि क्या क्या थे ये रूल्स वगैरह ट्रेंड्स वगैरह, फिर एक एक करके चेक करोगे, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा ना, 60 मिनट में तुम्हें 100 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। मतलब कि इतना प्रैक्टिस करना है कि सबकॉन्शियस माइंड देखते ही पहचान जाए। नाउ नंबर्स को देखते हैं, तो नंबर्स में क्या क्या यूज़ हो सकता है, ट्रेंड्स, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल लेटर, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एफ आई एन है, ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका है 6, आई का है 9 और एन का है 14, तो यहाँ पे या तो 6 यूज़ हो सकता है विच इज़ द फर्स्ट लेटर, आई हो सकता है विच इज़ द मिडल लेटर के बदला 9 हो सकता है, एंड एन के बदला 14 हो सकता है विच इज़ द लास्ट लेटर। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर लेटर, अब पर्टिकुलर लेटर का भी हो सकता है कि मान लो कोई थर्ड लेटर ले लिया, मान लो वर्ड है फास्ट टेस्ट, ठीक है, उसमें थर्ड लेटर ले लिया, तो जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनमें थर्ड लेटर को पकड़ के उनमें नंबरिंग कर दी, तो ये भी हमें चेक करना रहता है। एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, अब हो सकता है कि छोटा छोटा वर्ड रहे या बड़ा, कुछ भी हो सकता है, सारा का जो प्लेस वैल्यू है सबको ऐड करके जो आता है वो हो सकता है, या तो हो सकता है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड कर दिया जाए, समझ लो, कुछ भी हो सकता है, इवन मान लो कि घटा के भी हो सकता है। अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने फास्टेस्ट यूज़ किया है, ठीक है,
तो ए है और ई है, तो इन दोनों का भी एडिशन वगैरह हो सकता है कि प्लेस वैल्यू, जैसे इसका 1 होगा और इसका क्या होगा 5 होगा, तो 6 6 यूज़ हो सकता है नंबर में। स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर, अब नंबर ऑफ लेटर है जैसे कि मान लो फिन है FIN, इसमें कितने हैं लेटर्स, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्यूब भी हो सकते हैं, ठीक है 9 का क्यूब अब उसमें लिखने बोल दिया जाए। फिर क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि क्या मतलब है कि जो जैसे कि कोई भी लेटर है, ठीक है अब उसका नंबर है जैसे कि फिन शुरू होता है तो ये 6 है, तो इसका नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये तो 6 है तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, समझ रहे हो, लास्ट का भी हो सकता है, क्या कहता है प्रीवियस या नेक्स्ट वैल्यूज, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इतना प्रैक्टिस करना होगा कि हम तुरंत गेस कर सके कि क्या यूज़ हुआ है। देखो सिंबल्स के लिए ज़्यादा उतना नहीं है, तो सिंबल्स थोड़े इजी होते हैं हमें गेस करने के लिए, इसलिए अगर सिंबल्स मिल रहे हैं तो सबसे पहले खुश हो जाओ और कोशिश करो कि उन्हें ये क्रैक करें। तो उनमें जो मैक्सिमम टाइम ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स यूज़ होते हैं वर्ड्स के लिए, मान लो 4 लेटर के लिए हैश यूज़ हो गया, 3 लेटर के लिए एट द रेट यूज़ हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर ऑड नंबर ऑफ लेटर, अब मतलब कि पर्टिकुलरली अगर 3 वर्ड्स, 3 क्या है ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ लेटर रहेंगे या इवन नंबर ऑफ लेटर पर अगर रहेगा ये, तो एक चीज़ देखना कि दो तरह के ही साइन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, दो तरह के ही होंगे, तो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ लेटर इस टाइप का कुछ हो, या वॉवल्स का बात हो रहा हो, ठीक है कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं उसमें, या नंबर ऑफ ये टाइप का चीज़। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट आर सेम, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है फर्स्ट लेटर मान लो ए यूज़ हो रहा है किसी में, तो ए को मान लो हैज़ दे दिए, अब मान लो कहीं पर डी हो रहा है तो डी को एट द रेट दे दिए, तो ये भी हो सकता है। सिमिलरली लास्ट लेटर के लिए भी ये पे दे सकते हैं। इवन नंबर ऑफ लेटर, तो सिंपली यहाँ पे अभी मैंने ऑड नंबर ऑफ लेटर बताया था, यहाँ इवन नंबर ऑफ लेटर हो गया। तो दीज आर सम ट्रेंड्स। ठीक है, अब एग्जैक्ट मतलब आप बोलो कि 99% इसी के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता इसमें कि आप रट लो और बस आप जाके वहाँ पे क्रैक कर लो, रटने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ें जितनी भी हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ये। ठीक है, पहले तो मैं सारा इधर लेसन बनाऊंगा जितने भी कंसेप्ट बेसिस पे हैं, फिर मैं क्या करूँगा लाइव क्लासेज में आके, या नहीं हो पाएगा लाइव क्लासेज तो क्या करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस सेशन दिखाऊंगा कि कैसे मैं कोई नया क्वेश्चन देखता हूँ तो उसको कैसे अप्रोच करता हूँ, कैसे सॉल्व करता हूँ विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बंच ग्रेप्स मीन्स ऑनेस्ट इज कोडेड एज T10N I10C U18 IT18H। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ खास देखने वाली, नंबर्स को केस करने में क्या है कि सारे नंबर्स 26 से कम हैं, तो हो सकता है कि सारे सारे क्या हों, प्लेस वैल्यू हों डायरेक्टली। ठीक है, हो सकता है, आई एम सेइंग दैट। ठीक है, इट इज़ नॉट डेफिनेट, वी हैव टू चेक फर्स्ट। तो क्या है यहाँ पे, BUNCH बंच है, तो हम चलो पहले अब लेटर्स के लिए देख लेते हैं। तो क्या है, बी है और एच है, तो डायरेक्ट तो कहीं पे दिख रहा है क्या, बी और एच, एच दिख रहा है लेकिन बी नहीं दिख रहा है। फिर क्या है, यू है, एन है, सी एच है, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ लेटर्स देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, टू है, टू है और 6 है, तो यहाँ पे मिडिल लेटर का कोई काम तो होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, ठीक है, तो हम तो दिख रहा है कि यहाँ पे बीच वाला लेटर का कोई काम नहीं होगा, तो अब देखते हैं क्या, डायरेक्ट तो नहीं है, तो इसके आसपास वाला एडजेसेंट कोई है क्या, तो बी के एडजेसेंट क्या होता है, सी होता है, तो हम चेक करते हैं सी हमें मिला क्या कहीं, हाँ यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम इसका चेक करेंगे कि इसके एडजेसेंट जो एक लेटर आफ्टर वाला है वो एच होता है, जी के बाद क्या होता है, एच होता है, एच है क्या कहीं, जी हाँ एच है, तो हमें लग रहा है कि मैंने ट्रेंड पकड़ लिया अब कहीं ना कहीं। ठीक है, अब सिमिलरली एम के बदला एन मिलना चाहिए और हमें वो लास्ट में मिलना चाहिए, जी बिल्कुल मिल रहा है। फिर सिमिलरली टी के बदला क्या मिलना चाहिए, यू मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। तो हमने क्या देख लिया कि हमें यहाँ पे लास्ट, सॉरी ये लास्ट के लिए मैंने देख लिया था, एच के लिए बदला क्या मिल रहा है, एच के बदला मुझे हमें मिलना चाहिए एच आई मिलना चाहिए, जी आई भी मिल रहा है। और मैंने एक चीज़ और भी देख लिया क्या कि फर्स्ट के लिए जो है वो लास्ट में सिमिलरली 1+ एडजेसेंट नंबर है, तो जैसे कि क्या है, एच जो है एच के बाद क्या आता है, जी एच आई आता है, तो आई होना चाहिए वो आगे में जो कि यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पे बी है और बी के बदला सी है, यानी कि अगर जैसे कि देखा जाए BUNCH है, तो जो भी डिकोड किया गया है या कोडिंग की गई है वो क्या कही है, इसके बदले यहाँ पे दी गई है आई और इसके बदले यहाँ पे दी गई है सी। ठीक है, और नंबर का देखना पड़ेगा हमें, नंबर के लिए अब हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स गिन लेते हैं हम लोग।
तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो पाँच से कोई रिलेशन दिख रहा है, पाँच से रिलेशन दस का है क्या कि पाँच इंटू टू होता है। सिमिलरली यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, सिक्स से बदला क्या है एटीन, टेन का तो कोई रिलेशन नहीं, एटीन का है क्या, सिक्स इंटू थ्री है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव है, फाइव के बदला रिलेशन क्या टेन दो बार है, तो ये भी टेन हो रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स के बदला थ्री, तो मतलब सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थ्री आ रहा है, फाइव से टू कर रहे हैं, तो हो सकता है क्या कि ये ऑड है और ये इवन है, तो ऑड से हमें टू से मल्टीप्लाई करना और इवन से हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना, या ठीक है, या हो सकता है कि पर्टिकुलरली फाइव फाइव में अगर आए तो फाइव को टू से और सिक्स को थ्री से, हो सकता है इसी तरह सेवन को फोर से करना हो, लेकिन वी हैव टू चेक फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर है, हम देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है, ठीक है, तो नाइन यह क्या है ऑड है, तो या तो नाइन के बदला टू इंटू एटीन होना चाहिए, या नाइन के बदला जैसे कि इसी तरह सिक्स सेवन एट करके इतना जो मल्टीप्लाई होता है कुछ बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं क्या उतना बड़ा नंबर है नहीं और एटीन है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है क्या कि ऑड रहा तो उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इवन रहा तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्रैक कर लिया है सब चीज़ के लिए। अल्फ़ाबेट में क्या है, तो अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट है उसका प्लस वन इधर करके यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, सिमिलरली प्लस वन करके यहाँ पे लिखेंगे, और जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनमें ऑड रहा तो टू से मल्टीप्लाई और इवन रहा तो थ्री से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली, तो डी के बदला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का यहाँ पे एक एडजेसेंट प्लस हो जाएगा, तो जी एच यहाँ पे एच हो जाएगा और डी के बदला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और ये वन टू थ्री फोर फाइव है, फाइव का इंटू टू टेन हो जाएगा, तो एच टेन ई हमें खोजना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल, तो इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। देखो इसमें सेम क्या क्या दिया है, ये बी है और बाकी सब सेम है, तो ये वाला अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट कर लिए तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या दें हैं यहाँ पे, एम दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है कि किसी लास्ट में जो है एल है क्या, ठीक है, लास्ट में एल, एल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है, क्यों, और ये है तो यहाँ पे एल आया है, यानी कि के होना चाहिए लास्ट में, तो जो कि यहाँ पे है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ठीक है, हमने चेक क्या किया, एम है यहाँ पे, तो क्या था जो फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट हो रहा था कोड में, ठीक है, वो क्या होना चाहिए था, लास्ट लेटर होना चाहिए था किसी वर्ड का और उससे पिछला वाला, यानी कि अगर एम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम है, तो होना क्या चाहिए था लास्ट में अल्फ़ाबेट, L होना चाहिए था, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, L दिख रहा है, तो L के लिए हमें क्या होना चाहिए था, K होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे हम मार सकते हैं, बाकी दो पहले ही मेरा यहाँ पे ये हो चुके थे, नन ऑफ दिस होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर मैं क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ तो मैं सारा का डिकोड करके दिखा ही देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एच टेन ही मैंने इसका दिखा दिया, अब योर का क्या हो जाएगा, ये पहले आर हो जाएगा, आर के बदला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा और वाई के बदला यहाँ जेड हो जाएगा, वन टू थ्री फोर है, फोर के बदला थ्री से मल्टीप्लाई ट्वेल्व हो जाएगा, तो एच ट्वेल्व क्या हो जाएगा, जेड, जो कि है हमारे आंसर में, ठीक है। फिर एच सिमिलरली के बदला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एच के बदला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर्स गिनना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट है, यानी कि एट थ्री या ट्वेंटी फोर, तो एल ट्वेंटी फोर आई, जो कि दिया हुआ है। सिमिलरली जेड ट्वेंटी फोर क्यू है, तो हमें यहाँ चेक करना होगा, एच टेन ई मिल ही चुका है, तो पी पी और यहाँ वाई है, तो यहाँ पे जेड हो जाएगा और पी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, तो एट थ्री या क्या होना चाहिए, ट्वेंटी फोर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको सारे कोड मिल गए हैं इस सेंटेंस के, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, तो ए है, एस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए और यहाँ बी आना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स थ्री या एटीन, तो टी एटीन बी हम देखते हैं कि इसमें नहीं है, उसमें कैंसिल कर देंगे, ठीक है, टी एटीन बी कहीं नहीं दिख रहा, ओके, फिर से काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इंटू थ्री होता था ना, ओके सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, देन वॉट इज़ द, इसके लिए पूछा गया है, स्मेल सीम्स दो फ्लफी, ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं, एस के लिए है, तो यहाँ भी टी हो जाएगा और यहाँ भी टी हो जाएगा, दीज आर टू फाइव है,
ठीक है ना, 5 है तो 10 हो जाएगा, तो टी 10 टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे में है, तो इससे हम नहीं इसमें पता कर पाए कि कौन सा इसमें से क्रॉस होगा, ठीक है। सिमिलरली दो के लिए देखें तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई हो जाएगा, और टी के यहाँ ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, 2 2 4 6 18, तो आई 18 यू हम खोजते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आप जो इसमें एक एक करके निकाल रहे हो, इसके लिए अभी यहाँ पे मैं एक आपको तरीका बताने जा रहा हूँ क्या, कि आप देख रहे हो कि आई 18 और आई 18 यू सब में है, तो आई आपको आई 18 खोजना ही नहीं है क्योंकि आई 18 तो सब में ही है। सिमिलरली आपको यहाँ पे टी 10 टी पहले से सब में मिला हुआ, तो आप क्यों खोजोगे झूठ का, आपको तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, आपको भी आंसर पता कर ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा खोजना पड़ेगा जो डिफरेंट हो। जैसे कि देखो एम वाला, जैसे कि M10T दिया है, इसमें M20T दिया है और इसमें M15T दिया है, और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एम करके M1988 आई दिया है, ठीक है ना। तो M के अलावा हम खोजेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि सब में M तो है ही सबसे पहले, ठीक है, और जो नंबर है उसमें ही हेरा फेरी है, तो हम M के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, L आना चाहिए लास्ट में, तो हम खोजेंगे L है कहीं पे लास्ट में, हाँ जी है, यहाँ पे स्मेल में है, तो नंबर ऑफ लेटर गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 10 होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, M जो जिसके साथ 10 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा M10 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है M के साथ कहीं पे भी और 10 नहीं है, तो दिस वुड बी आंसर इफ़ वी नेगलेक्ट नन ऑफ दिस विच इज़ नॉट द आंसर हियर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो सिमिलरली देखा कि अगर आप 1 to 1 करने जाओगे तो आप हो सकता है कि आप मतलब डेड एंड में आप पत्थर मार रहे हो, ठीक है, उधर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या करना है, हम स्मार्ट वर्क करना है, और जो एग्ज़ामिनर है वो भी आपसे यही चाहता है कि आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, कि कैसे आपको आंसर से जल्दी पहुंचना है। इवन आप अगर आप लोग तो तुक्का मार भी देते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका दिमाग चाहिए यार तुक्का को सही मारने का, जो भी पेपर को फ्रेम करते हैं वो इसी टाइप से करते हैं कि वो इस आपसे स्मार्ट वर्क निकला सकें, अगर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो यू विल बी क्वालिफाइड, अदरवाइज यू विल फेल। सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसके एस का बदला क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी सॉरी यहाँ टी हो जाएगा और एम एन हो जाएगा, वो 2 2 4 और 6 है, तो N18T जो कि मैंने बोला था आपको नहीं करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि N18T सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है, तो जिससे कि हमें आंसर मिल जाता है। तो देख सकते हो आप कि कितने ईजिली हम आंसर को पा लिए अगर हमसे पहला वाला को डिकोड कर लिए तो, या उसको कोड के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है, तो दिस विल बी माई आंसर। सिमिलरली व्हाट इज़ द कोड फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कोड क्या हो जाएगा, ये एस है तो एस के बदला टी यहाँ आ जाएगा और एम के बदला एन यहाँ आ जाएगा। अब ये लिखने में कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस विल बी माई आंसर। What is the code for study the material clearly? ठीक है, अब जैसे कि clearly है तो इसको हम करते हैं, तो ये z हो जाएगा और ये हो जाएगा d, ठीक है, तो z d किसी में है क्या, जी है, और 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 2 जा होना चाहिए, तो 14 है, तो z 14 d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो आई हैड मतलब कि मैंने रॉन्ग अल्फा रॉन्ग वर्ड चुना किसी को कोड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब में कॉमन था, तो मुझे ऐसा चुनना चाहिए था जो सब में अलग हो, जैसे कि M24N और M24N तो मैक्सिमम में है, तो हम मान सकते हैं कि M24N जो है वो सही है, और ये M12N है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट मतलब कि कंपलसरी, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि देखो अब एग्जामिनर क्या चाहेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करना चाहेगा तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन देगा ना, और फिर लास्ट में जाके आप दो दो ऑप्शन के बीच में बचोगे, सारा ऑप्शन चेक करने के बाद तब दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कौन सा सही है नहीं है, तो उस बेसिस पे क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, जो कि यहाँ पे होगा भी, ठीक है, तो M24 इसमें भी कॉमन, इसमें भी है, Z14D इन तीनों में कॉमन है, और M24 तो कॉमन क्या नहीं है वो हमको खोजना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं Z10T, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें और इसमें Z10T क्या है, कॉमन है, और इधर Z14D है, सिमिलरली यहाँ पे F6U है, F9U है, और F9U यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी या तो F9U या तो Z10T के बारे में देखते हैं, तो Z यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से हमें क्या होना चाहिए था, ओके दोनों Z10 नहीं बोल रहा था, हाँ Z10T, ओके
या F6U खोजते हैं, तो F के 6U के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा F है, और T के लिए क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, 3 है, तो 3 2 6, तो F6U सही होगा, F9U गलत और F9U गलत, तो सेकेंड वुड बी माई आंसर। नाउ चलो इसको डिकोड करते हैं। फास्टिंग रिलैक्स डाइजेस्टिव सिस्टम G49 81 25 36, हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम खोज लेते हैं कि क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये 49 है, तो हो सकता है कि अगर 7 टोटल जो लेटर्स हों वो 7 हो तो उनका स्क्वायर हो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 के बदले 25 वो है, 2 2 4 2 6 7, जी बिल्कुल 49 है, 2 2 4 2 6 2 8 9 81, 2 2 4 6, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36 है, फिर 7 का स्क्वायर 49 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 9 का स्क्वायर 81 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स पे ही डिपेंड कर रहा है ये नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स का स्क्वायर पे। अब चलो हम देखते हैं अल्फ़ाबेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जी है, ई है, एक्स है, एम है, तो चलो जी खोजते हैं, जी लास्ट में यहाँ पे है, एक्स है, ई है और एम है, यानी कि क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड का लास्ट लेटर है वही क्या कर दिया गया, सिंपली छाप दिया गया है, तो इट वॉज़ वेरी ईजी। चलो इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, गेट वेल सफ़र, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ लेटर्स को किन के उनका स्क्वायर कर देते थे, तो यहाँ पे 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ये सिमिलरली 4 है तो 16 हो जाएगा, 2 4 6 है तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 9 16 36 ऐसा कोई है, ये भी है, ये भी है, ये और ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में सही होगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखना था, लास्ट लेटर को हमने यूज़ किया है, तो ये टी एल और आर होना चाहिए, टी एल आर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एस 36 और ये सब के लिए पूछा गया है कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इन्हें, तो 36 49 और 64 25 को इतना ऐड करने से अच्छा है कि हम सबसे पहले खोजते हैं एस जी ई एक्स, लास्ट में क्या होना चाहिए, एस जी ई एक्स, जो कि इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और क्या है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ई भी है, एस भी है, और जी भी है, और एक्स है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऐड करके स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि अगर करते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता, हम कहाँ गए पे, स्मार्ट अप्रोच में गए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लेटर्स चुना। चलो व्हाट विल बी द कोड फॉर द वर्ड परसेंटेज इन दिस कोडेड लैंग्वेज, ठीक है, परसेंटेज के लिए कोडेड लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो ई है, ई डायरेक्ट लिख दिया गया होगा, और नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर तो हम गिनते हैं 2 4 6 8 10, तो हम क्या देख रहे हैं कि ई 100 शुड बी माई आंसर, सो इट इज़ ई ऑप्शन। द कोड वाई 100 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन दैट कोडेड, तो वाई है यानी कि लास्ट में वाई आना चाहिए, तो जिसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 100 है सिमिलरली तो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ ऑल्सो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ ऑल्सो 10, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द कोड वाई 100 रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन दैट कोडेड लैंग्वेज, ये नॉट बोल रहा है, आई थिंक इसमें ये होगा क्या, द कोड है वाई विच डज नॉट रिप्रेजेंट होना चाहिए, नॉट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर इसमें बी होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा, सॉरी बी नहीं, सी होना चाहिए, क्योंकि बाकी को तो ये रिप्रेजेंट कर ही रहा है, क्योंकि लास्ट में वाई भी है और नंबर ऑफ लेटर्स 10 भी है, ठीक है। What will be the code for the word function in this coded language as 36? ठीक है, तो पूछ रहा है function in the coded language. Okay, लगता है ये गलती से यहाँ पे आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या होता है, 64, और लास्ट में n, तो b n 64 would be my answer. So let's wrap up friends here. Thank you very much for listening and giving your time.
तो यहाँ से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें क्या क्या जो ट्रेंड्स वगैरह हैं अलग अलग, उनको देखेंगे और उनको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.